महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर एनसीपी का बड़ा बयान। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, हमें कांग्रेस के साथ आने की उम्मीद है। शिवसेना की सीएम की मांग हमें मंजूर। महाराष्ट्र में शिवसेना का ही होगा सीएम। शिवसेना नेता संजय रावत का बयान। रावत ने कहा, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र के हित में है। आखिरी फैसला सोनिया, उद्धव और शरद पवार का होगा। हम चाहते हैं कि 25 साल तक के लिए शिवसेना का सीएम ही हो। रावत ने कहा, महाराष्ट्र का नेतृत्व शिवसेना ही करेगी। हमारे साथ जुड़े लोगों को सरकार चलाने का अनुभव है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार लंबी कवायद के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद मिलेगा। वहीं कांग्रेस एनसीपी ने मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है। कब गेम पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। धनशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को राहत दे दी है। कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया। शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की थी। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और उससे पहले उरी अटैक के जवाब में भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि 26/11 में इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई थी। पाकिस्तान के साथ 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इसके चलते पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी थी। जयशंकर ने मोदी सरकार के आरसीईपी एग्रीमेंट से बाहर आने को लेकर भी टिप्पणी की है और कहा है कि किसी बुरे समझौते से अच्छा था इस वक्त कोई भी एग्रीमेंट ना करना। जम्मू कश्मीर मामले में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास आतंकवाद का डीएनए है। पेरिस में हुए यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रही अनन्या अग्रवाल ने कहा, पाकिस्तान के विकसित व्यवहार का नतीजा ये है कि वो एक राज्य के रूप में फेल हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था कट्टरपंथी समाज और आतंकवाद के गहरे जड़ वाले डीएनए की वजह से कमजोर हुई है। झारखंड बीजेपी प्रभारी ओम माथुर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आजसू से गठबंधन बरकरार रखी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीटें छोड़कर चल रही है, विचार आजसू को करना है। ओम माथुर ने यह भी कहा कि फ्रेंडली फाइट भी तो होती है। आज झारखंड अपना 19वां स्थापना दिवस मना रही है। 15 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। 5 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडे की जयंती पर झारखंड को नया राज्य बनाया गया था। स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने झारखंड की जनता को बधाई दी है। झारखंड के 19वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि बिरसा मुंडा जी का जीवन संघर्ष का पर्याय है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से आदिवासी समाज को नई दिशा देने का काम किया है। धरती और जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार वापसी के प्रयासों के लिए वो धरती आबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे महान जन नायक की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है। रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। आज उनके कामकाज का आखिरी दिन है। सीजेआई के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब 13.5 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के बुमला पहुंचे। इस दौरान उनका कहना था कि मुझे यहां तैनात सैनिकों के साथ मिलने और बातचीत करने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअली के साथ यहां कोई तनाव नहीं।
लखनऊ में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरों में विकास तेजी से हो रहा है। यूपी के 4 शहरों में मेट्रो की सेवा शुरू हुई है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 652 अर्बन बॉडी काम कर रही है। आगरा में भी जल्द मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई इस मुलाकात में प्रदेश में चल रही विकास की तमाम योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सरकारी बंगलों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की है। इसके शुभारंभ उन्हीं के सरकारी बंगले से किया गया। दरअसल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आज से सरकारी बंगलों पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का शुरू का जो काम है वो कर दिया है। पहले दिन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगले पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया। प्रदेश में सभी नेताओं अफसरों के घर और दफ्तर में ये मीटर लगाए जाएंगे। लखनऊ में अर्बन मोबाइल इंडिया का 12वां आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन 15 से 17 अक्टूबर तक होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुशीनगर जिले के बरागी पट्टी गांव में मस्जिद में हुए विस्फोट के मास्टरमाइंड हाजी कुतुबुद्दीन को घटना के 66 घंटे बाद पुलिस ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कुतुबुद्दीन ने कई राज उगले हैं, जिससे इस घटना के तार आतंकियों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। साजिश में शामिल कुतुबुद्दीन का पोता भी ATS के हत्थे चढ़ गया। मस्जिद में विस्फोट के बाद उसने हैदराबाद में शरण ले रखी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बहन, छोटे भाई शेख मुस्तफा कमाल और भांजे मुजफ्फर अहमद शाह को गुरुवार को 3 महीने में पहली बार घर से बाहर निकालने की इजाजत दी गई, लेकिन परिवार की ओर से दावा किया गया है कि शाम को उन्हें बताया गया था कि वो फिर से हिरासत में है। BHU हॉस्टल में छात्रों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे दिन भी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के छात्र सिंह द्वार पर धरना जारी है। वहीं विवाद को देखते हुए मौके पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। झांसी से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कुछ लोगों को लाठी और थप्पड़ से पीटती दिखाई दे रही है। वीडियो में एक महिला की इंस्पेक्टर के साथ नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस दो पक्षों में विवाद की सूचना पर एक पक्ष के घर पहुंची थी। इस दौरान जिस पक्ष ने शिकायत की थी, पुलिस उन्हीं को थाने में ले जा रही है, जिसका महिला विरोध कर रही है। महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा की मुजैना में झाड़ियों के पास 12 से ज्यादा गोल्डन कार्ड मिलने के हड़कंप मच गया। ये खबर सामने आ रही है। ये कार्ड भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को वितरण किया जाने वाला था। इसकी जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमओ को भी मिली है, लेकिन अभी तक इन कार्ड्स को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोएडा के सेक्टर 63 में लड़की के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जहां पर नौकरी के नाम पर झांसा देकर गैंगरेप किया गया। बताया जा रहा है कि खाली पड़े प्राधिकरण की जमीन पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर मिलने आई लड़की के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की की शिकायत पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक पर सवार 4 युवकों की बाइक सड़क किनारे गड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिसके चलते 2 बाइक सवार युवकों को मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पटना के मुंगेर में पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग शख्स को लाठी डंडे के साथ बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले छोटी गोविंदपुर निवासी वार्ड नंबर 33 के वार्ड पार्षद सतेंद्र तांदी के छोटे भाई धीरेन्द्र ताती गोली मार दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया है और बेरहमी से पिटाई की है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले अब्दुल जब्बार का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इलाज के लिए उन्हें भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब्दुल भोपाल गैस पीड़ितों के हित में काम करने वाले एनजीओ के संयोजक थे। जब्बार द्वारा बताया गया है कि एनजीओ लगभग 3 दशक से गैस त्रासदी के पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहा है। फतेहाबाद के टोहाना में एक महिला की आत्महत्या के मामले की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के पति को आरोपी बताया है। मृतक महिला के घर वालों ने आरोपी शख्स पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी के देवरिया जिले में यातायात माह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली को एसपी डॉक्टर त्रिपति मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सभी के तहत वाहन रैली में भी शामिल हुए। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर गीता माली की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ। गीता अपने पति विजय माली के साथ गृहनगर नासिक के लिए जा रही थी। गीता की कार सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में घुस गई, जिससे गीता की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उनके पति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात और बिगड़ गए हैं। कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में पीएस 2.5 का लेवल 700 तक पहुंच गया है। हवा की गति भी कम होने की वजह से प्रदूषण जानलेवा स्तर पर बढ़ गई है। दिल्ली में और जीवन का आज आखिरी दिन है। प्रदूषण का स्तर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम बढ़ानी है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी कल और परसों वो हवा की क्वालिटी की जांच करेंगे, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो होंगे। राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण का न्योता को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीरियों को मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई है। यही नहीं, उन्होंने जिहादी आतंकवादियों को पाकिस्तान का हीरो बताया। उन्होंने उसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवाहरी, जलाउद्दीन हक्कानी और अन्य आतंकियों को भी पाकिस्तानी नायकों की संज्ञा दी है। भारतीय कारोबारियों ने एक महीने तक मलेशिया के पाम तेल का बहिष्कार करने के बाद वहां से आयात करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर रूटे भारतीय कारोबारियों को मनाने के लिए प्रति टन तेल पर $5 की छूट दे रहा है। इससे भारतीय कारोबारियों के मलेशियाई तेल की खरीदारी शुरू करने से मलेशिया को बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट को लेकर काफी चिंतित है। उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो उत्साह पहले बनी रहती थी, वो अब खत्म सी हो गई है। सचिन ने पिछले 30 वर्षों में क्रिकेट में आए बदलाव के बारे में कहा कि क्रिकेट प्रेमी जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता दिखाना चाहते थे, वो अब नहीं है, क्योंकि इस वक्त विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों की बहुत कमी है। डोप परीक्षण में विफल होने के कारण 8 महीने के लिए प्रतिबंधित किए गए युवा बल्लेबाज पृथ्वी शो को सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के लिए मुंबई की 15 सदस्य टीम ने शामिल कर लिया गया है, लेकिन वो 17 नवंबर से ही मैचों में खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने मार्च में मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान डोप परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने के बाद जुलाई में उन्हें 8 महीने के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कराया गया था।
भारत ने दूसरे हाफ के अंजली टाइम में गोल करके अफगानिस्तान के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में 1-1 से ड्रॉ खेला। इसका मतलब यह है कि विश्व रैंकिंग में 106 नंबर पर भारत को क्वालिफाइंग में अभी अपनी पहली जीत की दरकार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक चैनल अब हिंदी में भी उपलब्ध होगा, जिसमें पूरे साल ओलंपिक सितारों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां और ओलंपिक खेलों से जुड़ी जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। ओलंपिक चैनल कॉम और इसकी मोबाइल ऐप भी अब दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिसमें हिंदी भी शामिल है। स्टार टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने अपने भविष्य को लेकर संकेत दिए हैं। फेडरर एटीपी फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक के सामने होंगे। फेडरर ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि जो इतने सारे प्रशंसक आए हैं, वो हो सकता है कि ये लोग मुझे आखिरी बार देख रहे हो। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में पहली BS6 वाली बाइक लॉन्च कर दी है। होंडा की पहली BS6 वाली बाइक CB साइन SP125 है। होंडा ने इस बाइक को दो वेरिएंट में लॉन्च किया। एक वेरिएंट में फ्रंट और रियर में ड्रंक ब्रेक लगाया गया है, वहीं टॉप मॉडल के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक के साथ CBS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा। इसी के साथ इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। नवंबर में महंगाई पर बढ़कर 5% पर रहने के आसार को दिखाया जा रहा है। इसके बावजूद भी आर्थिक वृद्धि की चिंताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 2 बार नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। RBI मुद्रा स्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। देश के दूसरे नंबर की कार निर्माता कंपनी हुए जल्द ही अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार ह्यूंडई एक्सेंट को बंद कर सकती है। ह्यूंडई ने इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया है। वही कंपनी एक और नई कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 को सिंगल चैनल ABS के साथ लॉन्च किया है। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.45 लाख रुपए रखी गई है। साथ ही बाइक को 2 नए कलर्स मर्करी सिल्वर और प्योर ब्लैक में भी पेश किया गया है। सिंगल चैनल ABS वेरिएंट ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट से करीब 8,000 रुपए सस्ता है। हालांकि बाइक के इंजन में कंपनी ने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। रिलायंस जियो अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार नए नए प्लान ला रहा है। रिलायंस ने अपने ग्राहकों के लिए 5 आकर्षण प्लान के तहत सस्ते दामों में ज्यादा डेटा ऑफर किया है। रिलायंस जियो द्वारा 444 रुपए का प्रीपेड प्लान बाजार में सबसे नए पेशकश के रूप में लॉन्च करेगा। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हॉस्पिटल के सोर्स ने बताया है कि लता की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें लता को निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण एडमिट कराया गया था और लगातार उनकी रिकवरी अभी हो रही है, पर टाइम लगेगा। वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। लता को सोमवार यानी 11 नवंबर को सांस संबंधित शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। जैकलिन फर्नांडिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना फैन मोमेंट शेयर किया है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो इंटरनेशनल पॉप स्टार केटी पेरी के साथ नजर आ रही है। केटी एक म्यूजिक फेस्टिवल के सिलसिले में भारत पहुंची है। जैकलिन ने कहा कि अगर केटी को कुछ समय मिलता है तो वो उन्हें शहर घुमाना चाहेंगी और पानी पूरी भी खिलाना चाहेंगी। म्यूजिक डायरेक्टर शेखर रविजानी का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शेखर ने ट्विटर पर एक बिल पोस्ट करके लिखा है, जिसमें उन्होंने 3 अंडों की कीमत फैंस के साथ शेयर की है। महज 3 अंडों के सफेद हिस्से के लिए शेखर को 1672 रुपए चुकाने पड़े हैं। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। भूलभुलैया 2 में एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी पहली बार साथ नजर आएंगे। मजेदार बात यह है कि जल्द ही एक्ट्रेस तब्बू भी उनकी टीम को ज्वाइन करेंगी। तब्बू भूलभुलैया 2 में नजर आने वाली है। तब्बू ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दिया है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि उन्हें अपना रोल और स्क्रिप्ट बेहद पसंद आ रहा है।
मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर यशराज प्रोडक्शन के तहत अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। मानुषी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज में संयोगिता का रोल निभाएंगी। फिल्म पृथ्वीराज राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड है। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी अमर है।